पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में ना खेलने की खबरों को लेकर आईसीसी ने पाकिस्तान को धर रगेड़ा है। जी हां, आईसीसी ने कहा है कि आप वर्ल्ड कप खेलना हो तो आइए, नहीं खेलना हो तो नहीं आइए। और इसका आईसीसी ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है। जी हां, आईसीसी ने दूसरा प्लान तैयार कर रखा है। आईसीसी ने बोला कि वर्ल्ड कप में खेलना है तो आओ, नहीं तो ना आओ। और इसका आईसीसी ने यह सोल्यूशन निकाला है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैचों में जो तीसरे स्थान पर रहेगा वह जो है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जगह लेगा। इसके बाद पाकिस्तान की जो हालत है वो शायद ही उसको समझ में आ रही होगी, क्योंकि एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप तक लगातार पाकिस्तान भारत को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि भारत ने एक बार पाकिस्तान में खेलने से मना क्या कर दिया तो पाकिस्तान उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाह रहा है। मुझे लगता है आईसीसी ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को वो इतनी इज्जत नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपनी अहमियत जताने में लगा है। क्योंकि उसको मालूम है कि वर्ल्ड कप मैचों में पाकिस्तान इंडिया का जो मुकाबला है वो सबसे सुपरहिट रहता है और हाई रेटिंग का रहता है, तो उसको लगता है कि आईसीसी और भारत उसके सामने झुक जाएगी। पर उसको नहीं मालूम कि पाकिस्तान जिस रवैये के साथ क्रिकेट को खेलता है या उनका देश जिस हालत से गुजर रहा है, तो सभी आईसीसी, भारत, सभी लोग उसका सम्मान जरूर करेंगे, लेकिन जो उनका बड़बोलापन है और जो उनकी वर्ल्ड कप को लेकर एक राह है उसको आईसीसी ने साफ कर दिया है कि अगर खेलना हो तो आइए, नहीं खेलना हो तो नहीं आई। उधर दूसरी तरफ आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच चालू है और आज मैच हो रहा है जिम्बाब्वे और ओमान का, जिसमें जिम्बाब्वे का जीतना तो लगभग तय ही लग रहा है। और बाकी बचे मैच सबके तीन तीन मैच बचे हुए हैं सबके क्वालिफायर मैच में, जिसमें वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप से तकरीबन पत्ता कट चुका है, वो बाहर हो जाएगी। क्योंकि अगर वेस्टइंडीज को वर्ल्ड कप में पहुंचना है तो बहुत बड़ा उलटफेर होना पड़ेगा।